बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक छोटी सी और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। एक बरेलवी आलिम हैं जो उनको आईना दिखा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जो तुम उर्स मनाते हो, मज़ारात पर जाते हो, वहाँ पर जाकर के चादरें चढ़ाते हो, और जो वली वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, ढोंगी वली जो होते हैं, वो वहाँ पर आपको दुआएं देने के लिए नहीं बैठे हैं या आपकी दुआएं कबूल करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि वो लोग तो वहाँ पर पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आप पहले ये वीडियो देखें और उस तुमसे पूछता हूँ, और मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे, तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं, और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना, अगर किसी का दिखाया जाएगा, ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम इन जाहिलों को ज्यारतों पर तुमने बिठाया है, इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी है, उसी की रखवाली पे बैठे है। मैं चैलेंज करता हूँ मजारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आए। वाह मौलाना साहब वाह, आपने ये वीडियो देखी, और इस वीडियो के अंदर ये मौलाना साहब बरेलवी आलिम है, और ये अपने ही इस तबके की, जो बरेलवी तबका है और बिलखसूस मज़ारात पर जो लोग बैठे हुए होते हैं, उनकी क्या ही खूब अंदाज में पोल खोली है। जिस औरत की इस्लाम ने इज्जत की और उसे सर का ताज बनाया, और औरतों को मस्जिद में आने के लिए इसलिए मना किया कि आपकी इज्जत महफूज इसी में है कि आप अपने घर पर रह करके इबादत करें, आज वही औरतें, और आज हम मुसलमानों ने अपनी उन औरतों को, अपनी उन माओं और बहनों को मज़ारात पर कई कई दिन पड़े रहने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर इन मज़ारात से इन संदूकड़ियों को हटा दिया जाए, इन गुल्लकों को हटा दिया जाए, बरेली औरतें पैसे डाल करके आती हैं, तो जितनी भी मज़ारे हैं ये सब बंद हो जाएंगी। और मज़ारात पर बैठने वाले जो ढोंगी पीर होते हैं, जो आपको दुआएं देते हैं और आपको तरह तरह की गलत बातों के अंदर मुलव्वस करते हैं, अगर इन मज़ारात से इन पेटियों को हटा दिया जाए, इन गुल्लकों को हटा दिया जाए, तो ये तमाम के तमाम जो पीर हैं, ढोंगी पीर, ये तमाम के तमाम मज़ारात को छोड़ करके भाग जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये वहां पर सवाब के लिए नहीं बैठे हुए, कि वो तो वहां पर इसलिए बैठे होते हैं ताकि उनकी कमाई होती रहे, और इस पेट के लिए वो लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इन लोगों ने हमारी माँ और बहनों को मजमे के तौर पर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है। आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? आज अल्लाह ताला से दुआएं मांगने के बजाय हम लोग गैरों के सामने सजदा करते हैं, मज़ारात पर जाकर के सजदा करते हैं, वहां जाकर के मिठाइयां शीनियां चढ़ाते हैं, शीनियां तकसीम करते हैं। आज हम लोगों को क्या हो गया है? मज़ारात पर पैसे डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अपनी मुरादें वहां पूरी कराते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी की मुराद पूरी करने की ताकत या दुआएं कबूल करने की ताकत किसी वली या नबी के अंदर होती, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी दुआएं करते रहे और 96 साल की उम्र में जाकर के उन्हें एक बेटा नसीब हुआ। अगर बेटा देने की ताकत या दुआएं कबूल करने की ताकत किसी नबी या वली के अंदर होती, तो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा होता, जो 96 साल की उम्र तक अपने बेटे के लिए तरसते रहे और अपने रब से मांगते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और आज ये कौम और ये उम्मत मज़ारात पर जाकर के अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है, न जाने क्या क्या खुरापातें वहां पर होती हैं, और हम लोग इस चीज को कार खैर समझते हैं, सवाब का काम समझते हैं। नाजरीन, इन तमाम चीजों से बचा जाए, जो सही दीन है उस पर चला जाए, जो सही शरीयत है उस पर चला जाए, ये इन तमाम बिदात को छोड़ करके एक अच्छी इबादत की जाए अपने घरों में रह करके, और सिर्फ एक अल्लाह से मांगा जाए, क्योंकि एक ही वो अल्लाह है
जो तमाम लोगों की दुआओं को सुनता है। मज़ारात पर जाकर के वहाँ जाकर फूल चढ़ाने से कोई चीज़ हमें नसीब नहीं होने की। हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और बिलखसूस हमारी माँ और बहनों को, उन माँ और बहनों को कि जो मज़ारात पर जाती हैं और चादर चलाती हैं, शीनियाँ तकसीम करती हैं और उस चीज़ को कार खैर समझती है, उनको दीन की सही समझ अता फरमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें।